दोस्तों, आज आपका गीता कुकी वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करना, यानी जो भी मेरी नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने बनाया रोलर समोसा, रिजल्ट आपके सामने कितने खस्ते और कितने करारे। तो हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मेरा और एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, आज ही हुआ है, वो भी सिर्फ यानी सिर्फ नॉनवेज का ही। जिन लोगों मुझे इसमें भी कमेंट आ रहे थे, मैम आप चिकन बिरयानी बनाओ, नॉनवेज की बहुत सारी डिशेज हमें बताई है, पर मेरे चैनल खाली मेरा वेज है, तो मैंने उनके लिए खास यानी एकदम खास स्पेशल नॉनवेज का ही चैनल लॉन्च किया हुआ है। तो पहला वीडियो मेरा होगा चिकन कबाब, मैंने आज ही डाला है दोस्तों। तो अभी जो वीडियो आप मेरा देख रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपने जाना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। और जो आपको डिश चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, मैं वो डिश आपको। एक कप मैदा लिया है दोस्तों इसी तरह से। तो हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गई, मेरा नया चैनल का नाम है गीता फूडीज, गीता फूडीज करके नाम है चैनल का, प्लीज आप देख लेना है। मेरे जैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने ही वाली। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया हुआ है, ले लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 1.5 कप पहले मैदा डाल देंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा बचा के रखूंगी मैदा, ओके 2 या 4 चम्मच जैसे मैं बचा के रखूंगी। अब इसको थोड़ा साइड रख लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालना है। और यहाँ पे हम लोग 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, इसको हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लेना है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों, ये समोसा रोलर बहुत टेस्टी लगता है खाने में, घर पे बनाना है। और यहाँ पे इसे मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया हुआ है अजवाइन को। और यहाँ पे हम लोग 3 चम्मच घी डाल देंगे, अच्छा वाला, ऐसा नहीं अच्छा नहीं तो आप जो घर पे खाते हो वो भी घी डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं 3 चम्मच का मेजरमेंट मैंने पूरा परफेक्ट लिया था, वो डाल दूंगी। और घी ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, उतने आपकी समोसा एकदम खस्ती बनेगी, पर ज्यादा भी डालो मत, नहीं तो फिर क्या मुंह में एकदम पिघल जाएगी। तो इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यानी डो एकदम परफेक्ट हो जाता है। और जैसे हमें खस्तापन चाहिए वैसे ये आ ही जाता है दोस्तों। इसी तरह से आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हो, पर ऑयल इसलिए डालना नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑयल हम लोग जब मैदे में डालते हैं ना, फिर ऑयली जो समोसा हो जाता है। और घी डालने से क्या होता है, ऑयली समोसा थोड़ा भी होता नहीं है दोस्तों। मेरे पहले के भी वीडियो आप देख लेना है, तो उसमें थोड़ा भी ऑयल दिखता नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे एक दो महीने समोसे के वीडियो डाले हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ा अंदाजा आ ही जाएगा। तो यार ऐसे समोसे तो अलग ही होते, और हम बाहर से लाते पूरा ऑयली ऑयली होते, कभी कभी घर में भी बन जाता है ऑयली ऑयली। अब ये देख रहे हो मैंने पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है, इसी तरह से हमें होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका टाइट सा डो बना लेते हैं। डो बना लिया दोस्तों, थोड़ा टाइट ही डो कहीं चाहिए हमें, ज्यादा भी नरम नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारे रोलर समोसा थोड़ा कड़क बन जाएंगे, खस्ते नहीं बनेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने, देखो मैंने एकदम टाइट सा डो बना लिया हुआ है इसी तरह से। अभी इसको हम लोग 15 मिनट के लिए सेट करने को रख देते, तब तक हम इसकी समोसे की स्टफिंग बनाते हैं। उसको बॉइल कर लिया है दोस्तों इसी तरह से, आप देख रहे हो। अभी यहाँ पर हम लोग प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पे एक ग्रेटर ले लेते इसी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से ग्रेटर कर लेना है, यहाँ पे हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए, आप हाथों से भी कर सकते हो इसी तरह से, ओके। तो मैं ग्रेटी करने वाली हूँ, यानी जो हमें स्टफिंग चाहिए वो अच्छी तरह से इसके अंदर आ ही जाएगा समोसे के अंदर। तो पूरा ही इसी तरह से ग्रेट कर लेना है दोस्तों, ग्रेट कर लिया है दोस्तों इसी तरह से। और यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम डाल देते हैं आलू। अभी यहाँ पे हमने शिमला मिर्च लेना है, इसको मैंने इसे बारीक चॉप करके रखा है, ये आपके हिसाब से कम या ज्यादा आप ले सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया, उसको भी मैंने अच्छी तरह से चॉप करके रखा हुआ है बारीक सा। बनाना बहुत आसान है, वो इजी है, वो झटपट बन जाता है। अभी लॉकडाउन भी है तो हमें ऐसे कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है, तो आप इसी तरह से घर पे बना सकते हो। यहाँ पे 1/2 चम्मच हमने हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, धना जीरा पाउडर 1.5 चम्मच, उसका स्वाद बड़ा होता है। और यहाँ पे हम लोग अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे, यानी कि मैंने 6 या 7 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको ऐसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया हुआ है। और कलर आने के लिए यानी टेस्ट के लिए काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, ये 1.5 चम्मच डालने वाले, कलर बहुत अच्छा था और ज्यादा तीखापन आता नहीं। इसके अंदर हमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ज्यादा, जो उसकी जो ट्विस्ट आती है बहुत बढ़िया आती है। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और धनिया तो आपके हिसाब से कम या ज्यादा आप डाल सकते हो। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देना है इसके साथ ही हमें।
अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हाथों से ही। एकदम ये स्टफिंग हो गया हमारा आलू का। प्लीज घर पे बनाना है और कमेंट करना है मुझे। अभी लॉकडाउन भी है तो हमें ऐसा कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है, बोर हो गए हो गए हम एक ही चीज खा के, तो इसे कुछ अलग हमें नया तरीका चाहिए, तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी, तो जो पसंद ही आपको आएगा और आप घर पे बनाएंगे मुझे उम्मीद है दोस्तों। और प्लीज बनाया है तो प्लीज मुझे कमेंट करना है। अभी अच्छे से हम लोग डो को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी मसाले हमारे आलू के साथ मिक्स कर लिया है दोस्तों। आप देख रहे हो कलर कितना परफेक्ट है। इसी तरह से अभी इसको थोड़ा साइड ले लेते हैं और हम लोग डो ले लेते हैं, डो चेक कर लेते हैं। देख रहे हो डो एकदम परफेक्ट सेट हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हम लोग डो को चिकना बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेके एक चम्मच जैसा, और डो को चिकना कर लेना है हमें अच्छी तरह से। ये डो सेट होता है ना उतना अच्छा रहता है। आपके पास अभी 15 मिनट नहीं तो ज्यादा टाइम होगा तो भी चलेगा दोस्तों। सॉफ्ट होना चाहिए और अच्छा, मैं अच्छी तरह से उसे चिकना बना लिया है दोस्तों, आप देख रहे हो इसी तरह से। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग चकला ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 3 चम्मच जैसा पानी ऐड कर लूंगी अंदाजे से। और यहाँ पे हम लोग 2 चम्मच, मैंने जैसे कि आपको बताया मैंने थोड़ा बचा के रखा था मैदा, यहाँ पे हम लोग 3 चम्मच जैसे हम लोग मैदा डालेंगे, यानी इसका जो प्यूरी कर लेंगे पेस्ट अच्छी तरह से, देख रहे हो। यहाँ पे गुठलियां नहीं चाहिए दोस्तों, ज्यादा भी पतला नहीं चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, यानी हमें समोसा चिपकाने में आसान तरीका हो जाएगा रोलर समोसा। नहीं आपके पास मतलब मैदा तो होता ही है, अभी तो मैदा हमने किया तो कॉर्नफ्लावर भी डाल कर सकते हो और अच्छा लगेगा। पेस्ट हो गई रेडी, देखो इसी तरह से हमें चाहिए गोल मैदे का। अब इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डो ले लेते हैं और डो को अच्छी तरह से डिवाइड करके 4 में इसी तरह देख रहे हो एकदम टाइट डो मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह से अभी हम इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। अच्छी तरह से मसल ले ली मैं, यानी एकदम डो एकदम परफेक्ट इसी तरह से। और यहाँ पे हम लोग सूखा डो ले लेते हैं, इसको अच्छी तरह से डस्ट कर लेना है। और एक ही बार डस्ट करना है, बार बार डस्ट नहीं करते जाना है, उसको अच्छी तरह से बेल लेते हैं। पूरी रोटी के जैसे ही बेलना है हमें, देख रहे हो डो भी एकदम परफेक्ट जैसे मुझे चाहिए वैसे ही डो ये हुआ है टाइट। ज्यादा नरम डो होगा यानी सॉफ्ट, तो फिर हमारा जो रोलर समोसा अच्छा बनेगा नहीं और पूरा ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो इसको एकदम जितना हमारा चकला है उसके हिसाब से हम लोग गोल बेल लेते हैं। पूरी रोटी की जैसे बेल लिया है दोस्तों, इसी तरह से देख रहे हो। अभी यहाँ पे हम लोग 3 इंच जैसा कट कर गए, पहले यहाँ पे इसे कट कर लेना है, जो एक्स्ट्रा है इसका बाद में हम यूज कर सकते हैं आटे को। ओके, इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। इसको भी थोड़ा साइड रख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बैटर यानी मसाला ले लेंगे आलू का स्टफिंग। इसी तरह से इसको ऐसे रखेंगे इसके नाप से। और यहां पे हम लोग क्या करना है, मैदा लगा लेना है। थोड़ा चिपकना चाहिए और इसको हम ऐसे गोल 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 हल्के हाथों से इधर प्रेस करते जाना है। देख रहे हो यानी ये परफेक्ट चिपक ही जाता है इसी तरह से। और रोलर हमारा एकदम परफेक्ट, इसे बैटर को हम जो मसाले डाले थे इसको हल्के से एकदम गोल करना है, देख रहे हो इसी तरह। और एक बताया कि इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, यानी थोड़ा ये बाद में यूज का हो जाता है दोस्तों, इसको डालना नहीं हमें। बट ये लेना है मसाला आलू का स्टफिंग, आपके हिसाब से कम ज्यादा स्टफिंग भर सकते हो दोस्तों, पर ज्यादा भरना मत, उसका प्रमाण से ही भर लेना है।
इसी तरह से इसको हम लोग ऐसे और यहाँ पे थोड़ा मैदा लगा लेंगे, यानी चिपक जाएगा ये इसी तरह से। और इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे गोल 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 घुमाते जाना है ना। कितना इजी और आसान तरीका है दोस्तों रोलर समोसा बनाने में। इसी तरह से बाकी के सारे ही हम लोग समोसे बना लेते हैं। ये सारे रोलर बना लिए यानी समोसे, देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने कैसे परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमने गैस गरम करने को रख दिया है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम लोग बेसन जो मैदे का घोल बनाया था वो ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यानी ये इसी तरह से। अभी हम इसको फ्राई कर लेना है और इसको हम लोग ऐसे करना है, इसको सिर्फ ऐसे यानी जो हमारी जो आलू की स्टफिंग होगी वो निकलेगी नहीं, इसी तरह से हम इसको करना है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। ऑयल ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, थोड़ा ही गर्म चाहिए। ज्यादा गर्म करोगे यानी कड़क ऑयल तो ये तुरंत फ्राई हो जाएगा, जैसे हमें करारेपन यानी खस्तेपन चाहिए वैसा ही आएगा नहीं। मैं और बार चेक करके बता रही हूँ, थोड़े टाइम से ये ऊपर आ रहा है। इसी तरह से हमें ऑयल चाहिए, देख रहे हो थोड़े टाइम से तुरंत ऊपर आ गए तो कड़क ऑयल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक एक रोलर समोसा डालेंगे डिप करके इसी तरह से, देख रहे हो। आराम से छोड़ना है दोस्तों। और धीमी आंच पे इसको अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करते जाना है। इसे करने से क्या होता है, हमारा स्टफिंग निकलेगा नहीं। अभी हम इसको गोल्डन फ्राई करते तक इसको फ्राई करना है इसी तरह से। बीच बीच में इसको हल्के हाथों से चलाते रहना है और थोड़ा ऑयल ज्यादा ही लेना है यानी ये डूबना चाहिए समोसे रोलर इसी तरह से। और धीमी आंच पे इसको गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। कलर अभी चेंज हो रहा है यानी रोलर समोसे का, देख रहे हो इसी तरह से। और थोड़ा करना बाकी, बबल्स भी है यानी फ्राई भी हो रहा है अच्छी तरह से, करारे भी आएगी, खस्ते भी। हाँ दोस्तों, मेरा चैनल है गीता फूडीज, प्लीज उसको भी आपने जैसे ज्यादा सपोर्ट करना है। जैसे गीता कुकिंग वर्ल्ड को क्या है, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ खाली नॉनवेज का ही चैनल होगा और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होगा। जैसे कि बाहर के जैसे आप खाओगे तो वैसे घर पे खा सकोगे यानी बना के, वो भी देख रहे हो। और कलर बाकी व्हाइटनेस लग रहा है थोड़ा कलर गोल्डन, जैसे हमें जैसे समोसे का कलर कैसे होता है वैसे इसको फ्राई करना है। मुझे यहाँ पे ज़रा 5 या 6 मिनट लगाए फ्राई करते समय, यानी धीमे आँच पे मैंने किया हुआ इसीलिए। अब ये कलर चेंज होना स्टार्ट चालू हो गया है। और कभी भी फ्राई करते समय ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है यानी ये डूबना चाहिए, तो ये एक जैसे ही हमारा कलर आएगा। परफेक्ट आ गया है ना इसी तरह से। बाकी के सारी हम ऐसे ही फ्राई करना है दोस्तों, एकदम परफेक्ट है जैसे मुझे चाहिए। जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे इसका कलर चढ़ते जाएगा। दोस्तों कैसे बना दिया मैंने एकदम रोलर समोसा, रिजल्ट आपके सामने, एकदम थोड़ा भी ऑयल नहीं है। देखने से तो इतना लग रहा है कि कब खाए, तो बनाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने। तो अभी हम लोग तोड़ के बताएंगे सही में अंदर का उसका कितना एकदम खस्तापन है। आवाज देखना है, हल्के हाथों से टूट गया है, देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने है। तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो जितना होगा उतना शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।